कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। अगर नौकरी चाहिए, उसके लिए भी कोई जगह नहीं है मेरे पास। जलना बुझना, बुझ के जलना, मरना जीना, मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर, जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यों। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया, 18 तारीख से कोई जवाब नहीं आया, 25 हो चुकी है, हमारी बात आप बड़े बड़े जिससे हम पागल है, इतने सब बच्चे आए हैं यहाँ पे, ये कौन सा तरीका होता है यार। ओके सो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, अभी हम लोगों ने अंदर सेट आउट किया था और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग बाहर जाइए, बाहर सभी को निकाल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे बट उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया। फिर फाइनली उन्होंने बोला कि आप लोग 4 लोग रिप्रेजेंटेटिव अंदर जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके सो अभी हमको अंदर जाना है वापस, तो उन्होंने बोला कि फिर अभी हम लोगों ने वहाँ पर बैठाया 20-25 मिनट, उसके बाद फिर उनके ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बात की, उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और वो सारी बातें जो आपकी थी कि एग्ज़ाम कब होगा, पहला बात तो मेजर ये था, और क्या एनटीए ही एग्ज़ाम करवाएगा, और कि बेसिकली लाइक क्लास से रिफंड होगा कि नहीं होगा फीस का, ये सारी जो समस्या है वो सब हमने वहाँ पे सामने रखी। और अभी उन्होंने बोला है कि जो सेक्रेटरी हैं यूडीसी की, जो सेक्रेटरी है मनीष जी, उनसे भी मिलवाएंगे। सो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि आप लोग रुक जाइए 10 मिनट, 9 मिनट बाद वो मीटिंग से फ्री हो रहे हैं तो उनसे मिलवाएंगे। बाकी करण सर एंड मैम जो भी आप बताना चाहें। एक आरटीआई एप्लीकेशन और था हमारा जो हम फाइल कर चुके हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका रिसीविंग हमें मिल चुका है आरटीआई एप्लीकेशन का। आपको पता है कि हमने कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल हम कर चुके हैं, उस कंप्लेंट पे क्या एक्शन हुआ, क्या इंक्वायरी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके अलावा भी ये आरटीआई एप्लीकेशन इंश्योर करेगा जो भी हमारे क्वेश्चन थे, जो भी आपके क्वेश्चन थे 10-15 जो भी आपके क्वेश्चन थे, सारे इस आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर लिखे हुए हैं और इस आरटीआई एप्लीकेशन से सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अभी हम यूजीसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्जेस हैं उनसे बात करके आए हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी एनटी है वही शायद आपका अब एग्जामिनेशन करवाएगी, बॉडी को डिसॉल्व तो नहीं करेंगे। एक मेन पॉइंट उनकी तरफ से ये था कि आपका जो बॉडी चलाती है वो आपके लोग ही चलाती है, तो हम लोगों को चेंज करेंगे, उनको हटाने की कोशिश करेंगे जिस लेवल पे भी आपका फ्रॉड आया होगा, लेकिन बॉडी को डिसॉल्व नहीं करेंगे। और अभी इन्वेस्टिगेशन आपका चल रहा है, जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन शायद कंप्लीट नहीं होता, एग्जामिनेशन पर हो सकता है कि डाउट रहे कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा कब नहीं होगा, कोई भी क्लियर कट डेट देने के लिए, टेंटेटिव डेट देने के लिए या पीरियड बताने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम पीरियड नहीं बता सकते, ये सारी चीज़ें मीटिंग में डिस्कस होंगी। मीटिंग अभी शायद 15-20 मिनट के अंदर अभी आपकी मीटिंग हो जाएगी, तो शायद प्रद्युमन सर वहाँ पर जाएंगे बच्चे के साथ, तो शायद आपको बता पाएँ यहाँ के चेयरमैन से मिलके कि आपकी मीटिंग कब होगी, उसका क्या रिजल्ट रहेगा। अभी हिना मैम आपको बता पाएंगे क्या और अच्छे से रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको देख के कभी ऐसा लगा नहीं मुझे पर्सनली कि शायद उनको इतना सा भी कोई गिल्ट फैक्टर हो कि कुछ गलत हुआ है, बिकॉज उन्होंने बहुत कैजुअली ये कहा कि कुछ साल पहले एक यूपीएससी का पेपर भी तो लीक हुआ था और 12th के बोर्ड के पेपर लीक हो जाते हैं, तो जब ये काउंटर क्वेश्चन किया गया कि सेम बॉडी को आप कैसे दोबारा से रख सकते हो, तो उन्होंने कहा क्या आप यूनिवर्सिटी के पेपर बदल देते हैं, क्या आप स्कूल बदल देते हैं, तो उनके पास ऑल लेम आंसर्स थे। इवन दी जो दिल्ली पुलिस को यहाँ भेजा गया हम लोगों को हटाने के लिए, तो ही सेड वेरी कामली, ही सेड कि मेरा बच्चा तो कभी सिचुएशन में होगा ही नहीं जिसमें 9 लाख 10 लाख बच्चे बैठे हैं। एंड पर्सनली आई फील स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर आप अपने लिए आवाज़ खुद नहीं उठाओगे ना, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आज अगर यहाँ पर आप सारी जनता होते तो शायद ये आंसर जो हम आपको दे रहे हैं खुद आपको चेयरमैन जी खुद आकर देते। सो जिस तरह से नीट के स्टूडेंट्स ने अपने लिए आवाज़ उठाई, प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग आगे नहीं आ रहे। यू आर वेरी काम कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आई एम ओके, पेपर दोबारा होगा, हमें दोबारा पेपर भी देना चाहिए, बट द फैक्ट इज़ एटलीस्ट यू शुड स्टैंड फॉर योर जस्टिस कि कुछ तो गलत हुआ है ना। आप ठीक है पेपर देंगे, दे आर ऑल्सो सेइंग उनके पास कोई डेट नहीं है, वो कह रहे हैं आपको सब कुछ पता लगेगा थ्रू ट्विटर, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू UGC पोर्टल, लेकिन क्या सबका आंसर ये है। अब उन्होंने तो 2 महीने की कमेटी बोल दी एंड दे सेड कमेटी इज़ गोइंग टू गिव ऑल द आंसर, कमेटी इज़ गोइंग टू ब्रिंग ऑल द चेंजेस। ठीक है कमेटी सब कुछ करेगा, बट देर इज़ अ बिग क्वेश्चन, एटलीस्ट यू शुड गिव एन आइडिया दैट विद इन 1 मंथ 2 मंथ आप कितना पढ़ोगे और कब तक। आप उस मेंटल प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं है,
दैट मेंटल ट्रॉमा दैट यू पीपल हैव गॉन थ्रू, योर टीचर्स हैव गॉन थ्रू, उनके लिए उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. बट द फैक्ट इज वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, दे आर अगेन गोइंग टू ट्रस्ट द बॉडी NTA हु इज़ गोइंग टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन. बिकॉज उनका ये कहना है, हमने उसमें कमेटी के जो हेड्स हैं और कमेटी मेम्बर्स हैं हमने उनको चेंज कर दिया है. सो आफ्टर 15 मिनट्स वी विल बी सर विल बी गोइंग इन साइड विद द स्टूडेंट. जब वहाँ पे सर की बात होगी तो लेट्स सी उसमें शायद कुछ और इनपुट मिल जाए हम लोगों को. मैम कुछ और बात बताना चाहूँगा. जैसे हम लोग अभी बैठे थे तो इन लोगों ने हमको मीटिंग रूम में बैठाया और यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट हैं, दिलनशीन नाम है इनका. सो ये बहुत खुददार लड़की है. इसने बोला कि मैं इनका पानी भी नहीं पी सकती. ओके, एंड दिस वॉज रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, हम लोग धूप में बैठे थे, आप सभी लोग धूप में बैठे थे, तो उस समय लग रहा था मतलब वो आधा घंटा जब धूप में बैठे रहे सबके हालत अंदर से ख़राब थी कि पूरा पसीना आ रहा था. बट शी इवन नेग्लेक्टेड कि आपका तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगी. इतना घटिया एजेंसी, इतनी घटिया ऑर्गेनाइजेशन, इतनी घटिया सरकार है, इनका हमको पानी भी नहीं पीना चाहिए. ये सब हमसे पैसा लेते हैं, हमारे लिए खड़े भी नहीं रहते. सो कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि जो हम स्टूडेंट हैं हमें अपनी परवाह खुद ही नहीं है. अगर हमें होती कुछ भी तो हम यहाँ पर होते, यहाँ पर चंद बच्चों से अगर कुछ भी क्या हो सकेगा. यहाँ पर अगर 1% भी अगर बच्चा होता 9 लाख में से तो यहाँ पर 9,000 बच्चे होते, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है. इसी वजह से वो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहे हैं. तो यही बोलूँगी, जब हमें खुद ही की परवाह नहीं है, फाइट लड़ेंगे जब तक, जितना संघर्ष करेंगे करते रहेंगे, बाकी जिसको आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा. ठीक है, थैंक यू.